सभी बच्चे अच्छी तरह से हैं और अपना काम तो कर रहे हैं आप बेटा, लेकिन साथ साथ अपना ध्यान भी रखना है। और अब फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, है ना, सब दिवाली के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं मार्केट पार्लर। अगर मार्केट जा रहे हैं बेटा, पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, चाहे आप अकेले जा रहे हो वैसे ही, ठीक है, आपने मास्क जरूर पहनना है। और पेरेंट्स को भी कहना है अपने कि सबने मास्क पहन कर ही बाहर जाना है, ठीक है, और वहां से आकर हैंड वॉश जरूर करने है। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करेंगे आज की। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम प्रेयर कर लेते हैं। होल्ड योर हैंड्स। पेज नंबर है 33 और टॉपिक क्या है, फ्लावर्स फॉर यू, मतलब यहाँ पर फ्लावर्स दिए हुए हैं, इसमें हम मैस्टिक पेस्टिंग करेंगे और इस पेज को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करें बेटा। इस पेज में आज हम काम करने वाले हैं बेटा, ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। पेज नंबर है 33 और टॉपिक क्या है, फ्लावर्स फॉर यू। फ्लावर सुनते ही कितनी खुशी होती है सभी को, है ना। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। और फ्लावर आपको पहले भी मैंने बताया था जैसे कि जो नेचर है उसकी ब्यूटी क्या है, फ्लावर्स एंड प्लांट्स, है ना। तो फ्लावर और प्लांट के बिना हम नहीं रह सकते, हमें हर जगह अच्छे लगते हैं फ्लावर्स देखना। और आज जो हम करने वाले हैं पेज, वो है फ्लावर्स इन क्राफ्ट, ठीक है, मतलब मैस्टिक से क्राफ्ट के साथ हम अपने इस फ्लावर वाले पेज में काम करेंगे बेटा। तो बेटा ये इस पेज में क्या करना है देखेंगे सभी बच्चे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर देखना है कलर द पिक्चर, यहाँ पे पहले इस पिक्चर को कलर करना है, उसके बाद मैस्टिक पेस्ट करनी है। मैस्टिक का जो पैक है बेटा वो आपको आपके बुक में मिला हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लेंगे पैक को। और इस तरह से आप एक कटोरी में या प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे सारे मैस्टिक। और अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कलरिंग करेंगे। कलरिंग किस किस में करनी है, यहाँ देखिए नीचे इस जगह पर हम येलो कलर लेंगे, ठीक है, येलो से कर लेंगे ग्राउंड को यहाँ पर। और जो है लीव्स, लीव्स में ग्रीन कलर है, यहाँ ग्रीन सारा करेंगे अच्छे से। और इधर भी लीव में जो है इधर ग्रीन कलर है, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा येलो भी करेंगे बाद में, पहले ग्रीन कर लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे में येलो टच करेंगे, ठीक है। ये देखिए येलो की शेड दिखाई हुई है थोड़ी सी, तो इस तरह से ये कलर करेंगे। अब ये जो फ्लावर दिया हुआ है इस फ्लावर को भी थोड़ा कलर कर लेंगे, ताकि मैचस्टिक जब आप पेस्ट करें तो
वो अच्छा दिखाई दे। नीचे अगर आपका मैस्टिक कम भी पड़ रही है और रह जा रहा है कहीं पर स्पेस आपका बच रहा है तो वाइट वाइट नहीं दिखेगा, तो इसीलिए फ्लावर में भी आप कलर कर लेंगे। तो फ्लावर में यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ, आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। धीरे धीरे इस तरह से कलर कर लेंगे लेंगे। सबसे पहले आप इसको जो ये सारे डॉट्स हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए स्केच पेन के साथ। उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप है कलरिंग, और कलरिंग के बाद फिर मैटस्टिक पेस्टिंग। तो सबसे पहले ये सारे ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से हमने बैकग्राउंड में भी कलर कंप्लीट कर लिया, फ्लावर में भी कर लिया। अब जब सारी कलरिंग हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे मैटस्टिक पेस्टिंग। कलरिंग ज़रूर करनी है बेटा, फ्लावर में भी और लीव्स में भी अच्छी तरह से। अब मैटस्टिक पेस्टिंग कैसे करनी है वो देखेंगे सभी बच्चे। जिस जगह पे हमें करनी है, जैसे हम एक फ्लावर पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लावर, तो वहाँ पर फेविकोल लगा लेंगे। एक एक पेटल में लगाएंगे वन बाय वन। पहले हम इस पेटल में लगाते हैं इस तरह से, और उसके बाद ऐसे मैस्टिक लगाएंगे। और थोड़ा थोड़ा गैप देना है मैस्टिक के बीच में, बिल्कुल पास पास पेस्ट नहीं करना है, ठीक है? जैसे यहाँ दिखाया हुआ, ये देखिए एग्जाम्पल में इस तरह से, इस तरह से लगानी है, ठीक है? इसी तरह सारे पेटल्स में यहाँ पर लगा लेंगे। फेविकॉल लगाइए पहले, और फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस देकर ये इस तरह से आप अपनी मैस्टिक पेस्ट करिए। तो इसी तरह से इसे भी कर लीजिए बेटा, और इस फ्लावर में भी पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सारी जो मैस्टिक थी वो हमने पेस्ट कर ली अच्छी तरह से। अब जो मैस्टिक की ये टिप है, यहाँ पर स्केच पेन के साथ ब्लैक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर लगा लेंगे। आपको मैस्टिक के कॉर्नर पे ब्लैक ब्लैक करना है, ठीक है? तो और वो बिल्कुल एक लाइन में ही आप लगाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर देखिए कर रही हूँ मैं। और इसमें सारे जो सर्कल है उसमें एक ही लाइन में आपके जो ब्लैक पॉइंट नज़र आएगा, तो वो बहुत सुंदर लगेगा। और फ्लावर के बीच में भी कलर कर लेंगे इसी तरह से जैसे किया है हमने ब्राउन। तो इन टिप्स को आप ब्लैक स्केच पेन से कर दीजिए। अब इस तरह से ये पूरा हो गया हमारा पिक्चर। अब क्या करना है, अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है ये पिक्चर। अब आप करेंगे अपने हैंड वॉश अच्छी तरह से, और उसके बाद अपने इस काम को मुझे भेज देंगे, ठीक है बेटा? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। ओके बाय।